ये लोकतंत्र का मंदिर है और लोकतंत्र के मंदिर में जनप्रतिनिधियों का काम है कि सभी लोग जो हैं मिलकर के, चाहे सत्ता हो विपक्ष हो, जनता के समाधान समस्याओं का समाधान करें। और हम सब लोगों की ये ड्यूटी है कि जो नियमावली है उसके तहत हम सब लोगों को सदन में पेश आना चाहिए, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। अध्यक्ष महोदय, दुख तो तब होता है जब अगले पंक्ति में बैठे हुए वरिष्ठ नेता मंत्री जब आसन को गाइड करने लगते हैं। महोदय, इससे ज्यादा दुखद और खेद की बात हमारे समझ से ना हमने पहले कोई कभी देखा है। हम तो दूसरी बार ही जीत करके आए हैं, लेकिन कई सत्र में हमने भाग लिया है, हम लोगों ने कभी भी ऐसा नहीं देखा कि मंत्रियों द्वारा जो है आसन को निर्देश दिया जाए। आज जो घटना हुई, आपने मुझे 2 मिनट का बोलने का समय दिया, लेकिन मैं क्यों नहीं बोल पाया, किस वजह से नहीं बोल पाया, ये सब लोग जानते हैं और इसमें कोई विशेष रूप से बताने की जरूरत नहीं होती। कुछ लोगों को जानकारी नहीं होती है, अगर कोई चीज संवैधानिक है नहीं है, उस चीज का अगर कोई जिक्र कर रहा है, बता रहा है, तो समझना चाहिए, सुनना चाहिए, कोई अपमान वाली बात नहीं। जब मांग पे चर्चा हो रही थी, हमें जो समय मिला, हमें नहीं लगता कि अपने उस समय में जो भी 2 मिनट 3 मिनट हमने बोला होगा उसमें कोई भी असंसदीय बात नहीं थी, किसी की बेइज्जती नहीं थी, किसी का नाम नहीं लिया गया, लेकिन फिर भी आपत्ति क्यों? आप आसन हैं, आपने कई बार इस सदन को डिक्टेट किया है, बताया है, जानकारी दी है कि जब सदन के नेता या विपक्ष के नेता या सत्ता दल के सचेतक या विपक्ष के सचेतक अगर बोले तो बीच में नहीं उठना चाहिए। जब हम उठे तो माननीय नए सदस्यों की बात तो छोड़िए महोदय, जो विधायक बनकर के आए, लेकिन जो मंत्री बने वो भी उठ करके बोल रहे हैं, टोकाटाकी कर रहे हैं, टिप्पणी कर रहे हैं। क्या इस बात को कोई झुठला सकता है कि उप मुख्यमंत्री का पद जो है वो संवैधानिक नहीं है? आप नियमावली जाइए, कॉन्स्टिट्यूशन देखिए, संविधान देखिए, संविधान में केवल मुख्यमंत्री और मंत्री का पद ही और नेता विरोधी दल का ही पद ही संवैधानिक है, इससे आपत्ति हो रही है लोगों को। और दुख की बात है, आसन के मंजूरी के बावजूद भी अगर मुझे मौका मिलता है बोलने का, अगर मुझे रोका जाता है एक संवैधानिक पद पे बैठे हुए अपने जिम्मेदारियों का निवारण कर रहे महोदय, सरकार को आईना दिखाना, ये हम सब लोगों का दायित्व है महोदय। लेकिन जो गांधी जी का कई लोग कई बार जिक्र करते हैं, जो सामाजिक पाप जो बोला जाता है महोदय, 7 सामाजिक पाप, पहले में है सिद्धांत के बिना राजनीति और चरित्र के बिना ज्ञान, इसका पालन होना चाहिए महोदय। ये क्या स्थिति है, क्या कहां हम ले गए? अरे हम गलत हैं, अगर किसी चीज को अगर किसी मंत्री पे आरोप लगा है, अगर हम सबूत पेश कर रहे हैं तो उसको भी अधिकार मिलेगा कि सफाई दे सके। लेकिन ये अलग से ऐसी बातें आ रही हैं, बोलने नहीं दिया जाना। आज बताइए, सुबह से हम यहां बैठे हुए महोदय, कितने बार हमको बोलने का मौका दिया गया? हमने तो आपसे यह भी कहा था कि महोदय 2 मिनट में हम अपनी बात को समाप्त कर लेंगे। जब हम लोगों ने कार्य स्थगन प्रस्ताव, आपने जिक्र किया कि कार्य स्थगन प्रस्ताव के सभी पे आप उठाइएगा, आपने मौका भी दिया रेखा देवी जी को, लेकिन मेरा भी अधिकार बनता है कि उसको विस्तार से बताएं सदन में कि हमने कार्य स्थगन प्रस्ताव क्यों लाया है, किस वजह से लाया है। मेरी कोई यहां व्यक्तिगत दुश्मनी यहां किसी से नहीं है, लेकिन लोग व्यक्तिगत दुश्मनी क्यों मान रहे हैं?
नेता प्रतिपक्ष अध्यक्ष महोदय सदन की मर्यादा के अनुकूल आचरण के संदर्भ में आप कुछ कहें, ये सभी नेता दलीय नेताओं की जिम्मेवारी है, उसके बाद फिर बोलेंगे भी। ठीक है, बाकी तो सब हम कह दिए, लेकिन हम तो यही कहना चाहते हैं ऐसी माहौल पैदा नहीं होनी चाहिए। विपक्ष है, आरोप लगाएगा, एविडेंस के साथ लगा रहा है तो अच्छी बात है, सरकार का दायित्व बनता है कि उसका उत्तर दे, जवाब दे। अगर हम गलत बोल रहे तो बताइए हम क्या चीज में गलत बोल रहे हैं, लेकिन उस पर चर्चा ना हो करके कोई और चीजों पे होती है वो अलग बात है, लेकिन दोबारा हम लोग चाहेंगे कि ऐसी घटनाएं ना हो। और हम लोग इस बात का हम अंत में हम अपनी बात को रखेंगे और सबों को भी बोलना होगा, लेकिन बड़ा हम खेद प्रकट करना चाहते हैं और बड़ा आप जैसे दुखी हैं हम भी वैसे दुखी हैं कि अगर कोई न्याय की अगर कोई बात करे, सच की अगर कोई बात करे, उसको अगर रोका जाए, बात को रखने से रोका जाए, वो भी वहां रोका जाए जो लोकतंत्र का मंदिर है, जहां डेमोक्रेसी में लोकतंत्र में रहते हैं, इससे ज्यादा खेत की बात और कुछ नहीं हो सकती। तो इसलिए महोदय आपने जो भी बातें कही और हम यहां बैठे हुए वरिष्ठ नेताओं से, हो सकते हैं हमसे बड़े बड़े दादा की उम्र के लोग बैठे हैं, परदादा की उम्र के लोग बैठे हैं, पिता की उम्र के लोग बैठे हैं, चाचा की उम्र के लोग बैठे हैं, लेकिन हम अभी संवैधानिक पद पे हैं महोदय, और आप आसन है महोदय, आपको कोई भी यहां बैठा हुआ व्यक्ति, नीचे बैठा हुआ व्यक्ति कोई गाइड नहीं कर सकता। इसलिए हम लोग अपील करेंगे कि आसन का जो फैसला होता है उसको हम लोग स्वीकार करते हैं, लेकिन हो सकता है कि कोई कितना भी बड़ा व्यक्तित्व हो, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आसन को बताए कि ये करो ये मत करो ये गलत है। नेता और जब नियमावली का हवाला दिया जाता है महोदय, तो हम चाहेंगे जरा नियमावली भी दिखा दिया जाए जिस नियमावली का हवाला देकर के हम लोगों को रोका जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। नेता प्रतिपक्ष और पूरे सदन को ये आश्वस्त करते हैं कि इस आसन को न कोई प्रभावित कर सकते हैं न कोई गाइड कर सकते हैं, और आज इसी कारण ये आसन माननीय सभी सदस्यों की प्रतिष्ठा, सभी के सामूहिक प्रयास से लगातार बजट सत्र में इतने लंबे समय तक सुव्यवस्थित चलते रहा है, और आगे भी आप सब लोग मिलकर इसको सुव्यवस्थित चलाएं। अब माननीय तारकिशोर प्रसाद भारतीय जनता पार्टी नेता सदन, ठीक है, संसदीय कार्य मंत्री, माननीय अध्यक्ष महोदय, हम शुरू में ही दो बातों की तरफ आपका ध्यान आकृष्ट करेंगे और स्थिति स्पष्ट करना चाहते हैं। पहली बात तो आपने आसन पर जो सदन स्थगित हुआ था और अभी दोबारा जब सदन आरंभ हुआ और आपने जो पिछले दफा जब सदन स्थगित हुआ था उस समय जो कुछ अशोभनीय या अप्रिय घटनाएं घटी उसके संदर्भ में जो आपने अपने विचार रखे हैं, आपने अपनी टिप्पणी दी है, आपने अपना नियमन दिया है, हम सभी लोग सत्ताधारी दल के लोग और सरकार के लोग भी 100% आपकी भावना आपके नियमन के साथ हैं। महोदय दूसरी बात, हमारे नेता प्रतिपक्ष ने भी जो बातें कही हैं उससे भी हमें न कहीं परहेज है, न हम उनके किसी बात के खंडन करने की स्थिति में है, न हम खंडन करना चाहते हैं।